एज यू नो गाइज, रियलमी स्मार्ट वॉच जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है और अब फाइनली ये ऑफिशियली भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली रियलमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो शेयर किया है रियलमी स्मार्ट वॉच को लेकर, जिसमें उन्होंने रियलमी स्मार्ट वॉच के फर्स्ट लुक को भी यहाँ पे शेयर कर दिया है। और अगर आप फर्स्ट लुक देखेंगे इसका तो बहुत ही कमाल की स्मार्ट वॉच देखने में लग रही है। साथ ही एक स्मार्ट वॉच एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच लग रही है, जो कि काफ़ी लो प्राइस पर इंडिया में हमें देखने को मिलने वाली है। बेसिकली ये स्मार्ट वॉच एक बजट कैटेगरी की स्मार्ट वॉच होगी और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में आने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसी स्मार्ट वॉच के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली स्मार्ट वॉच की जो काफ़ी सारी स्पेक्स है वो लीक होकर सामने आई थी। तो चलिए बात करते हैं स्मार्ट वॉच की स्पेक्स के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कब ये स्मार्ट वॉच हमें इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके स्पेक्स के बारे में। तो बेसिकली स्मार्ट वॉच एक 1.6 इंच की ओलेड डिस्प्ले के साथ में आने वाली है। जी हाँ, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और काफ़ी अच्छी ये डिस्प्ले होने वाली है, काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव होने वाली है। साथ ही यहाँ पे एक 3D कर्व डिजाइन वाले डिस्प्ले भी होने वाली है। साथ ही स्मार्ट वॉच में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है स्मार्ट वॉचेस के लिए। तो काफी अच्छी प्रोसेसिंग पावर इससे आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसमें आपको वियर ओएस का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बात करें स्मार्ट वॉच की बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 135 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है, जो कि वन टाइम के सिंगल चार्ज में आपको 48 आवर्स तक का नॉन स्टॉप यहाँ पे बैकअप देने वाली है। और अगर आप इसे स्टैंड बाई मोड पे यूज़ करते हैं तो 7 डेज़ का बैकअप आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही ये जो बैटरी है 0 to 100% 1 आवर के अंदर ही चार्ज होने वाली है, तो काफ़ी फास्ट चार्जर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही स्मार्ट वॉच में सभी तरह के सेंसर्स देखने को मिलने वाला है। बेसिकली इसमें आपको ऑक्सीजन सेंसर भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक बिल्कुल नया सेंसर होने वाला है स्मार्ट वॉचेस के लिए। हालांकि ये एप्पल के स्मार्ट वॉचेस में यूज़ किया जाता है, बट कोई भी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच में आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात यह होने वाली है। एक बजट कैटेगरी की स्मार्ट वॉच में आपको इस तरह के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। हार्ट रेट सेंसर वगैरह तो देखने को मिलेगा ही, तो सारे सेंसर्स इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही स्मार्ट वॉच IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी होने वाला है। अब यार बात करें स्मार्ट वॉच की प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट के बारे में कि कितनी प्राइस पे स्मार्ट वॉच हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो यार बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इसकी प्राइस जो है वो 7000 के अराउंड रहने वाली है। अगर हम इसे कंपेयर करें किसी अदर स्मार्ट वॉच से तो ये काफ़ी कम है, और जो भी स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं उसके हिसाब से ये प्राइस्ड वन ऑफ द बेस्ट प्राइस रहने वाली है इंडिया के अंदर। तो आपको क्या लगता है कितनी प्राइस रहनी चाहिए स्मार्ट वॉच की इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर से बताना। अब यार बात करें इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो बेसिकली जो स्मार्ट वॉच है माधव सेठ ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो जब भी रियलमी का नेक्स्ट लॉन्च इवेंट होगा उसी दिन ये स्मार्ट वॉच आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइस, बाय बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे गाइस।